आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ, जो हमारे किशोर वय के बच्चे हैं या युवा हो चुके हैं, तो जो युवा हो चुके हैं उनके लिए तो ज़्यादा काम की है वीडियो नहीं होने वाली, परंतु जो किशोर वय के बच्चे हैं, जो क्लास 10वीं के आसपास के बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो काम की होने वाली है। और मुझको पता नहीं, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को फोकस करके ये बात कर रहा हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के हालात को देखकर ये बातचीत कर रहा हूँ। मेरे को पता नहीं कि हमारे 10 क्लास के कितने बच्चों को ये वीडियो सुनने को देखने को मिलेगा, पर पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं या बड़े भाई उनके सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इन बच्चों को ये वीडियो सुनाएं। कम से कम थोड़ा तो विवेक उनका जगेगा यदि वो गहराई से इस वीडियो को सुनेंगे। तो बच्चे, आप जो कर रहे हैं तैयारी परीक्षा की, तो उसमें जो सीखना है आवश्यक, वो गणित में सीखना है आपको, अंग्रेजी में सीखना है, भाषा है, इसको भली भांति सीखना है आपको, तो ये भविष्य में काम आएंगे। गणित सीखेंगे तो भविष्य में काम आएंगे, परीक्षा के पश्चात भी ये काम आएंगे। तो बेसिक गणित तो आपको आना ही चाहिए और ये ठोस होना ही चाहिए। अंग्रेजी बिल्कुल आप लिख पाए, पढ़ पाए, इतना आना चाहिए, और समय आएगा तो इसके आधार पर आप बोलना भी सीख पाएंगे। तो जो बेसिक ज़रूरतें हैं अंग्रेजी की या गणित की, ये दोनों आप गहराई से सीखें, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। आप कोचिंग जाते हैं, घंटा दो घंटा बिताते हैं, आप अपने नोटबुक के पृष्ठ भरते हैं या कुछ हल्का फुल्का सीखते हैं, फिर परीक्षा में जाकर परीक्षा में बैठते हैं और पास भी हो जाते हैं। लेकिन यदि अगर इसको आप ठोस तरीके से सीखते हैं, तो ये आपके जीवन भर काम आता है। आज आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, पर आप मान लें कि जो बेसिक गणित आपने बिल्कुल ही स्ट्रांगली सीखा है, बिल्कुल ठोस रूप में सीखा है, या बेसिक इंग्लिश जहाँ तक पढ़ लेने की बात है और अंग्रेजी को लिख लेने की बात है, वहाँ तक अगर आपने सीखा है, तो कल आपका अंग्रेजी भी मजबूत हो जाएगा इसके आधार पर। तो आप अपने समय को जाया ना करें, और अपना समय बेसिक गणित को ठोस करने में और बेसिक इंग्लिश को ठोस करने में लगाएं। अन्य विषयों पर भी ध्यान दें, अन्य विषयों से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो बाद में आप जीके के अंतर्गत पा ले सकते हैं, परंतु ये जो गणित और अंग्रेजी का बेसिक नॉलेज है, ये बाद में आपको कठिनाई पैदा कर देते हैं। बाद में यदि आप किसी जॉब के लिए तैयारी करने जाते हैं, तो ये बेसिक नॉलेज जो आपका नहीं होता है इनका, ये आपके लिए बोझ स्वरूप बन जाता है और तैयारी में बाधा पहुंचाता है। तो 10 क्लास के बच्चे या 12th क्लास के बच्चे, ये आप करें कि बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक इंग्लिश, इसको स्ट्रॉन्ग करें। पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं, टीचर कोचिंग सेंटर के बाहर और कोचिंग सेंटर उपलब्ध हैं। आप मेहनत करने को तैयार हों, सिखाने वाले आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, और पुस्तकें बहुत सहायक बनेंगी इनको सीखने में। पुस्तकें जो बाज़ार में मिल रही हैं, वो पुस्तकें पर्याप्त हैं आपको अपने छूट गए अध्यायों को, छूट गए आइटम्स को, छूट गए पीछे क्लास के जो आइटम्स है उसको समझाने में पुस्तकें भी पूरी तरह सक्षम है। क्योंकि अब आपका जो मानसिक तल है थोड़ा ऊंचा हो गया है, तो आप पुस्तकों के सहारे भी समझ सकते हैं, और पुस्तकों के सहारे यदि आप समझ पा रहे हैं, तो आपका सीखना ज़्यादा सफल होगा।
स्वयं ही अगर पुस्तकों के सहारे आप सीखते हैं तो आपका सीखना ज़्यादा सफल होता है बनिस्पत किसी मार्गदर्शक। मार्गदर्शक तो आपको एक बार बता देंगे तो उस समय आप समझ जाएंगे, लेकिन पुस्तकें तो हर समय जब आप चाहें आपको सिखलाने के लिए तैयार है। इसलिए बच्चे पुस्तकों से सीखें, पुस्तकों को पढ़ें, और सबसे ज़रूरी जो आपके लाइफ में है वो लैंग्वेज। आप हिंदी भाषी बच्चे हैं, आपको भली भांति हिंदी बोलना आना चाहिए, शुद्ध शुद्ध लिखना आना चाहिए, तो आपकी आने वाला आपका आने वाला जो दिन होगा वो ये भाषा आपको एक खास स्थान आने वाले दिनों में दिला जाएगा। यदि आपकी भाषा ही कमज़ोर रह गई है, बोलना ही आपका सरस नहीं हुआ, लिखना आपका शुद्ध नहीं हुआ, तो फिर आने वाले जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, और जहाँ भी आप बोलेंगे या लिखेंगे वहाँ आप अगर गलती करेंगे, अगर आपके बोल में सरसता नहीं दिखेगी तो आपको जो स्थान मिलेगा वो थोड़ा छोटा मिलेगा और उसमें आपको दुख होगा। तो ज़िंदगी भर तो हम लोगों को बोलना ही पड़ता है, तो भाषा सरस हम बोल पाएँ इस पर ध्यान दें, और जब लिखने की बारी आए तो हम शुद्ध शुद्ध लिख पाएँ इस पर ध्यान दें, तो ये हिंदी जो हमारी मातृभाषा है इसको सही ढंग से बोलना और लिखना ये आपको सीखना चाहिए। बोलने के लिए पुस्तकों को आप जोर जोर से बोलकर पढ़ सकते हैं, और उस पढ़े को अब तो आपके पास स्मार्टफोन है, ज़रा उसको टेप कर लें आप और सुने कि यदि कोई आपसे ऐसा बोलता है तो कैसा लगता है, और दूसरे स्पीकर जो बोल रहे हैं उनसे मिलान करें कि कहाँ पर आप में कमी रह जा रही है। बोलना सीखें, बिल्कुल अपनी मातृभाषा को सरसता से बोलना सीखें और शुद्धता से लिखना सीखें। बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट करें, बेसिक इंग्लिश को कंप्लीट करें, आपका आने वाला कल सुनहला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बच्चों आप गौर करेंगे हमारी बात पर, और इसको अगर आपने सही किया, इसकी ओर अगर आपने मेहनत किया, इस पर अगर आपने ध्यान दिया, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कल खुशियों से भरा होगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।